जयचंद्र, मैं आपको ओवरव्यू दूंगा ओमकर एफिलिएट प्रोग्राम का और आपको इफेक्टिव स्ट्रेटजीज बताऊंगा जिनको इम्प्लीमेंट करके आप एफिलिएट रेवेन्यू अर्न कर सकते हैं। तो सबसे पहले ओमकर एफिलिएट प्रोग्राम है क्या? तो ओमकर एफिलिएट प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम है जहाँ पर आप एज एन एफिलिएट 50% कमीशन अर्न कर सकते हो फॉर द ड्यूरेशन ऑफ 24 मंथ्स फॉर ईच पेइंग कस्टमर डेट टू ब्रिंग टू ओमकर यूजिंग योर ओन यूनिक रेफरल लिंक। और साथ ही साथ जिन लोगों को आप रेफर करोगे वो भी 10% डिस्काउंट पाएंगे अपनी पेमेंट पे फॉर द नेक्स्ट 24 मंथ्स। उदाहरण के लिए मान लो कि आपने 5 लोगों को रेफर किया ओमकर क्लाउड और उन्होंने $35 पर मंथ का प्लान परचेस किया, तो आप $87.5 जो कि 50% ऑफ $35 टाइम्स 5 है आप अर्न करोगे पर मंथ। तो अब सवाल उठता है कि आपको क्यों ज्वाइन करना है ओमकर एफिलिएट प्रोग्राम। देखो, अगर आप ओमकर क्लाउड से पार्टनर करोगे तो आपको ओमकर क्लाउड की क्रेडिबिलिटी, उनका सोशल स्टेटस, उनकी प्रोडक्ट क्वालिटी मिलेगी। और साथ साथ एज एन एफिलिएट आपको कोई प्रोडक्ट्स को बनाना नहीं है, आपको कोई पेमेंट हैंडल नहीं करनी, आपको कोई कस्टमर सपोर्ट प्रोवाइड नहीं करना, आपको बस लोगों को ओमकर क्लाउड पर लेके आना है अपने रेफरल लिंक के द्वारा। कुछ इंपॉर्टेंट रीजन जिनकी वजह से आप हमारे साथ पार्टनर करना चाहोगे वो कुछ इस तरह से हैं। फर्स्ट, हम हाई कमीशन ऑफर करते हैं। हाँ, 50% कमीशन ऑफर करते हैं फॉर द ड्यूरेशन ऑफ 24 मंथ्स, जो कि सिग्निफिकेंटली हायर है इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के लिए, जो कि अराउंड 20% to 30% है। सेकेंड, हम लोग फ्री टायर ऑफर करते हैं। और क्योंकि यहाँ पे फ्री टायर है, आप किसी को परसुएड नहीं करना कि वो एक परचेज करें, आपको सिंपली लोगों को इंकरेज करना है कि वो ओमकर क्लाउड को ट्राई करें फॉर फ्री। थर्ड, ये मेंबरशिप प्रोडक्ट है। और क्योंकि ये मेंबरशिप प्रोडक्ट है, ये इंश्योर करता है कि आपको एक स्टेडी स्ट्रीम ऑफ इनकम मिले मंथ आफ्टर मंथ। अब कोई प्रोडक्ट प्रमोट करने से ये जरूरी होते हैं कि आप इसकी थोड़ा अंडरस्टैंडिंग करो कि प्रोडक्ट है क्या, तो इसलिए आपको जाना पड़ेगा कि ओमकर क्लाउड है क्या। तो ओमकर क्लाउड एक B2B लीड जनरेशन प्रोडक्ट है जो कि हेल्प करता है बिजनेसेस की लीड्स फाइंड करने के लिए। उदाहरण के लिए मान लो कोई मार्केटर है, उसको लीड्स चाहिए IT सर्विसेज कंपनी के ताकि वो अपनी सर्विसेज प्रमोट कर सके, तो यहाँ ओमकर क्लाउड में जाके वो IT इंफॉर्मेशन सर्विसेज डाल सकता है। और एज ए जॉब क्रिएटर में वो CEO डाल सकता है। साथ ही साथ अगर उसे पर्टिकुलर कंट्री टारगेट करनी है तो वो भी डाल सकता है। और भी बहुत सारे फिल्टर्स हैं जिनको यूज़ करके वो रीच आउट कर सकता है राइट पीपल को, साथ ही साथ वो डाउनलोड कर सकता है ये सारे डिटेल्स एज ए CSV फॉर्मेट। अब जानते हैं कि टारगेट ऑडियंस क्या है ओमकर क्लाउड की। देखो, 3 टारगेट ऑडियंस जो है वो सबसे टॉप पे आते हैं ओमकर क्लाउड के लिए। वो है, फर्स्ट है लीड जनरेशन एक्सपर्ट, ये लोग वो होते हैं जिनको रीसेल करने होते हैं लीड्स दूसरे बिजनेसेस को। सेकंड होते हैं CEOs ऑफ मार्केटिंग एजेंसीज, इनको अपनी मार्केटिंग सर्विसेज सेल करनी होती है दूसरे बिजनेसेस को। थर्ड है CEOs ऑफ वेब डेवलपमेंट एजेंसीज, जिनको वेब डेवलपमेंट सर्विसेज सेल करनी होती है दूसरे बिजनेसेस को। हम भी सजेस्ट करेंगे कि आप लीड जनरेशन एक्सपर्ट्स को टारगेट करो फॉर द बेस्ट कन्वर्जन। आल्सो हमको इंकरेज करेंगे कि आप ओमकर क्लाउड को यूज़ करो फॉर फ्री बाय विजिटिंग www.omkar.cloud एंड यू डू नॉट नीड टू एंटर एनी कार्ड, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स और एनीथिंग लाइक दैट। अब बात है कंपेटिटर्स के बारे में। तो ओमकर क्लाउड जो प्रोडक्ट है वो लिंक्डइन सर्च के सिमिलर है, अगर आपने सेल्स एग्रीगेटर यूज़ किया हो लिंक्डइन तो उसके सिमिलर है, ठीक है। और जो उसके मेन कंपेटिटर है वो है जूम इन्फो। अगर आपको कोई भी कंटेंट इंस्पिरेशन चाहिए तो आप जूम इन्फो के ब्लॉग और यूट्यूब पे जाके देख सकते हो, उन्हें काफ़ी अच्छा मेंटेन कर सकते हैं। अब बात करते हैं ओमकर क्लाउड की प्राइसिंग के बारे में। तो ओमकर क्लाउड की जो प्राइसिंग है बहुत सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इसमें 2 प्लान्स है, एक फ्री प्लान है और एक अनलिमिटेड प्लान है। अनलिमिटेड प्लान में आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है ओमकर क्लाउड का, और फ्री प्लान में आपको 100 ईमेल क्रेडिट्स, 100 कंपनी फोन क्रेडिट्स और 100 एक्सपोर्ट क्रेडिट्स। यानी कि आप 100 बार ईमेल देख सकते हो, 100 बार फोन देख सकते हो और 100 रिकॉर्ड्स एक्सपोर्ट कर सकते हो एज ए CSV। और अनलिमिटेड प्लान में आप ये सब कुछ अनलिमिटेड कर सकते हो। अनलिमिटेड प्लान का जो अगर आप एनुअली परचेस कर सकते हो, आप मंथली परचेस करते हो। अगर आप इसको एनुअली परचेस करते हो तो $28 का पड़ता है, अगर आप इसको मंथली परचेस करते हो तो $35 का पड़ता है। अगर आपका जो रेफरल है वो मंथली परचेस कर रहा है तो $35 पे करेगा और आपको $17.5 की अर्निंग होगी पर मंथ में। अगर वो एनुअली पे कर रहा है तो आपको $28 का 50% जो कि है $14 आप अर्न कर पाओगे पर मंथ के बेसिस पे। अब बात करते हैं जो स्ट्रैटेजीज आप यूज़ कर सकते हो लोगों ओमकर क्लाउड के इंट्रोड्यूस करने के लिए अपने रेफरल लिंक के थ्रू।
तो फर्स्ट स्ट्रेटजी है यूट्यूब स्ट्रेटजी। इसके अंदर क्या करना पड़ेगा, आपको इंगेजिंग वीडियोस बनानी पड़ेगी जो कि रेलिवेंट है लीड जनरेशन के लिए, जैसे कि हाउ टू फाइंड क्लाइंट्स फॉर डिजिटल मार्केटिंग, हाउ टू फाइंड क्लाइंट्स फॉर वेब डेवलपमेंट, टॉप बी टू बी लीड जनरेशन टूल्स, टॉप बी टू बी लीड जनरेशन स्ट्रेटजीज। और वीडियो के एंड में आपको एक कॉल टू एक्शन देना पड़ेगा जिसके अंदर आप लोगों को इंकरेज करोगे कि वो उमका क्लाउड विजिट करें एफिलिएट लिंक के थ्रू जो कि डिस्क्रिप्शन में है, ताकि उन्हें 10% ऑफ मिले पेड प्लान्स पर। देखो ये जो स्ट्रैटेजी है उसके अंदर सबसे ज़्यादा हार्डवर्क लगेगा, लेकिन सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इसी स्ट्रैटेजी में है, क्योंकि अगर आप दूसरे प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक और लिंक्डइन है वहाँ पर प्रमोट करोगे तो वहाँ पर ये होता है कि जो न्यूर कॉन्टेंट है उसको प्रायोरिटी जाती है और जो पुराना कॉन्टेंट है वो बरेड हो जाता है। लेकिन यूट्यूब क्या करता है, वो कॉन्टेंट जिसका हाईएस्ट क्लिक थ्रू रेट है, इसका वॉच टाइम अच्छा है और जो रेलिवेंट है कि सर्च कीवर्ड के, उस कंटेंट को प्रमोट करता है भले ही वो कितना पुराना हो। इसलिए आपको अगर हाईएस्ट रिटर्न और इन्वेस्टमेंट चाहिए लॉन्ग टर्म बेसिस में तो आपको यूट्यूब स्ट्रेटजी यूज करनी चाहिए। सेकंड स्ट्रेटजी है लिंक्डइन ग्रुप पोस्टिंग स्ट्रेटजी। इस स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करने के लिए स्टेप्स कुछ इस तरह से है। फर्स्ट स्टेप ये है कि आप बहुत सारे लीड जनरेशन ग्रुप्स को ज्वाइन करोगे ऑन लिंक्डइन, और सेकंड आप एंगेजिंग पोस्ट लिखोगे जिसके एंड में आप एक एज अ कॉल टू एक्शन दोगे कि वो कमेंट करें। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो कुछ इस तरह से, इससे मैं बता रहा हूँ कि आपने एक बहुत अच्छा तरीका ढूंढा बी टू फ्री लीज ढूंढने का, और आप शेयर करोगे उनसे जो कि इंटरेस्टेड है, और लेट मी नो इन द कमेंट्स एज अ कॉल टू एक्शन आप बता रहे हो। सेकेंड एग्जाम्पल में आप एज अ हुक बता रहे हो कि हम 3 टिप्स बता रहे हैं जो कि एक्सपर्ट कोल्ड कूलर सबसे हाइड कर रहे हैं, और हाइडिंग से एक अच्छा हुक है। फिर आप कॉन्टेंट आते हैं और एट द एंड अभी कह रहे हो कि गुड क्वालिटी डेटा एसेंशियल है राइट प्रोस्पेक्ट को रीच करने के लिए, और अगर वो लोग इंटरेस्टेड है जानने में कौन सा टूल मैं यूज़ करता हूँ बेस्ट लीड्स के लिए तो वो कमेंट्स में बता दें। ये हमारा कॉल टू एक्शन है। ज़रूरी है कि आप उनको कमेंट करने के लिए बोलो, क्योंकि इससे क्या होता है कि जो लिंक का एल्गोरिदम है उसको पता लगता है कि ये जो पोस्ट है वो एंगेजमेंट जनरेट कर रहे हैं, और लिंक का जो एल्गोरिदम है उसको बूस्ट देता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप उनको लिंक ऐसे ही ना दे दो बल्कि उनको कमेंट करने के लिए बोलो, इससे आप ज़्यादा लोगों को रीच कर पाओगे। अब जिन लोगों ने कमेंट किया आप उनको कुछ इस तरह से मैसेज भेजो कि वो उमका क्लाउड को यूज़ करें इस वेल में जाके, जो कि आपका रेफरल लिंक होगा। थर्ड स्ट्रेटजी है फेसबुक ग्रुप पोस्टिंग स्ट्रेटजी। ये स्ट्रेटजी बिल्कुल सेम है लिंक्डइन की, बस फर्क ही है कि आप फेसबुक ग्रुप में पोस्ट कर रहे हो इंस्टेड ऑफ लिंक्डइन। और फोर्थ स्ट्रेटजी है वो डायरेक्ट मैसेजिंग स्ट्रेटजी। इसमें आप क्या करोगे कि आप उन लोगों को रिचार्ज करते हो जो लीड जनरेशन सर्विस ऑलरेडी प्रोवाइड करते हो, और उनको इंट्रोड्यूस करते हो प्रोडक्ट को। उदाहरण के लिए आप इस लिंक पर विजिट करोगे तो आपको मिल जाएंगे वो प्रोफेशनल जो लीड जनरेशन सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो, और आप उनको डायरेक्ट मैसेजेस कर सकते हो। आप कुछ इस तरह से मैसेज कर सकते हो कि आपको एक टूल पता है जो कि बी टू बी लीड्स फाइंड करते हैं अलॉन्ग विद देयर ईमेल, और फिर आप एज अ कॉल टू एक्शन बोल रहे हो कि वो इस लिंक पे विजिट करें। अब क्वेश्चन क्या है, क्या ये स्ट्रेटजीज वर्क करती है? देखो इस स्ट्रेटजी की सक्सेस इस बात पर डिपेंड करता है कि आप कितना एफर्ट और डेडिकेशन देते हो। मैं आपको 2 एग्जांपल देता हूँ। पर्सन ये है जो इस स्ट्रेटजी को वंस ट्राई करता है, 1 पोस्ट बनाता है, 2 कमेंट करता है और 3 DMs करता है, फिर वो गिव अप कर देता है कि ये स्ट्रेटजी वर्क ही नहीं करती। और जो पर्सन भी है वो एक स्ट्रेटजिक अप्रोच लेता है और एक डेली एक्शन बनाता है जिसके अंदर वो 3 पोस्ट लिखता है, 15 कमेंट्स को रिप्लाई करता है, 30 DM कन्वर्सेशन करता है, और 3 दिन बाद उसको पता लग जाता है कि क्या चीज़ वर्क करती है और क्या नहीं, फिर अपनी स्ट्रेटजीज को ऑप्टिमाइज करता है। ऐसे करते करते वो अपना रेवेन्यू अर्न करने लग जाता है। देखो इसमें इन दोनों पर्सन में डिफरेंस है कि एफर्ट्स का, कि पर्सन ए ने बहुत कम एफर्ट लगाया और पर्सन बी ने बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाया, और क्योंकि पर्सन बी ने ज़्यादा एफर्ट लगाया उसके चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो इनके से अगर आप सीरियस हो अर्निंग करने के लिए किसी भी चैनल के थ्रू, चाहे वो एफिलिएट मार्केटिंग हो चाहे किसी अदर सोर्स हो, ये इंपॉर्टेंट है कि आप एक स्ट्रेटेजिक अप्रोच लो। ये नहीं कि आप कुछ स्ट्रेटेजी को थोड़ी देर चलाओ और फिर दूसरी स्ट्रेटेजी पकड़ लो, एक स्ट्रेटेजी को पकड़ो उसको आप पूरा अपना जोड़ लगाओ, फिर आप ऑप्टिमाइज करो अपनी लर्निंग्स के बेसिस पे। अब बात करते हैं कि आप उमका क्लाउड का एफिलिएट प्रोग्राम कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहले आपको उमका क्लाउड पे जाके साइन अप करना पड़ेगा, और उसके बाद आपको रेफरल प्रोग्राम पे जाना पड़ेगा। और जब भी आप रेफरल प्रोग्राम पे जाओगे तो आपको एक रेफरल लिंक दिखा दीजिएगा, आपको इसको कॉपी करना है, फिर आपको इसको प्रमोट करना है जो स्ट्रेटजीज मैंने आपको बताई उनसे। साथ ही साथ उमकर को बेटर प्रमोट करने के लिए आप इन लिंक से डाउनलोड कर सकते हो उमकर का लोगो और उमकर का बैनर। उमकर का लोगो कुछ इस तरह से दिखता है और बैनर कुछ इस तरह से दिखता है।
अब इस वीडियो को समराइज करें तो आपकी ये की टेकअवेज हैं कि ओम का एफिलिएट प्रोग्राम एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है जो कि आपको 50% कमीशन ऑफर करता है फॉर 24 मंथ्स फॉर ईच कस्टमर जो कि आप अपने यूनिक लिंक से लेके आते हो, साथ साथ आपके रेफरल्स को 10% डिस्काउंट मिलता है। ओम का क्लाउड एक B2B लीड जनरेशन प्रोडक्ट है जो कि हेल्प करता है बिजनेसेस की लीड्स फंड करने के लिए। ओम का क्लाउड की टॉप टारगेट ऑडियंस है वो है लीड जनरेशन एक्सपर्ट, CEOs ऑफ मार्केटिंग एजेंसी एंड CEOs ऑफ वेब डेवलपमेंट एजेंसीज। साथ साथ आपको स्ट्रेटजीज पता लगी जो कि आप यूज़ कर सकते हो सेल्स करने के लिए, जैसे जो कि है यूट्यूब स्ट्रेटजी, लिंक्डइन, फेसबुक पोस्टिंग स्ट्रेटजी एंड DM स्ट्रेटजी। यूट्यूब स्ट्रेटजी में आप कंटेंट बनाते हो जो कि लीड जनरेशन से रेलिवेंट है, फिर आप एट द एंड आई एज ए कॉल टू एक्शन बताते हो कि वो उनके क्लाउड को विजिट करें आपके एफिलिएट लिंक के थ्रू। नेक्स्ट स्ट्रेटजी है लिंक्डइन या फेसबुक ग्रुप पोस्टिंग स्ट्रेटजी, जिसके अंदर आप बहुत सारे लिंक्डइन ग्रुप्स को ज्वाइन करते हो और वहाँ पे आप इंगेजिंग पोस्ट लिखते हो और जो भी इंटरेस्टेड होता है उनको आप मैसेज सेंड करते हो अपने एफिलिएट लिंक के साथ। नेक्स्ट स्ट्रेटजी है लिंक्डइन DM स्ट्रेटजी, जिसके अंदर आप उन लोगों को मैसेज करते हो जो कि लीड जनरेशन सर्विसेज प्रोवाइड करती है और हम कन्विंस करते हो कि वो उनका क्लाउड को यूज़ करें। अब जानते हैं नेक्स्ट स्टेप जिनको यूज़ करके आप अपनी नॉलेज को प्रैक्टिस में लेकर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ओमका क्लाउड पे साइन अप करो इस लिंक पे विजिट करके। सेकेंडली आप अपना रेफरल लिंक कॉपी करो और आप फेमलेस कर लो ओमका क्लाउड के प्रोडक्ट के फीचर्स के, ताकि आप इसको कॉन्फिडेंटली प्रमोट कर सको। नेक्स्ट आप एक स्ट्रेटजी पिक करो। हम ये रिकमेंड करते हैं आप कि आप ग्रुप पोस्टिंग स्ट्रेटजी के साथ जाओ, जिसके अंदर आप लिंक्डइन और फेसबुक ग्रुप में जाओगे और आप पोस्ट करोगे। फॉर बेस्ट रिजल्ट्स इट इज़ रिकमेंडेड दैट आप एक पीस ऑफ कंटेंट को जितना सके उतने ज़्यादा ग्रुप्स में पोस्ट करो। नेक्स्ट आप अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करो और अपनी स्ट्रेटजीज को एडजस्ट करो ताकि आप अपना एफिलिएट रेवेन्यू इंक्रीज कर सको। अब बात करते हैं कुछ कॉमन एफएक्यूज के लिए। तो सबसे पहला एफएक्यू ये कि आप कितना अर्न कर सकते हैं एज एन एफिलिएट। देखो ये डिपेंड करता है, कुछ लोग है वो थाउजेंड्स ऑफ डॉलर अर्न करते हैं, कुछ लोग हंड्रेड्स ऑफ डॉलर्स अर्न कर सकते हैं और मोस्ट ऑफ लोग कुछ भी अर्न नहीं करेंगे। तो डिपेंड करता है आप कितना एफर्ट और डेडिकेशन देते और आप पर्सनल कितना अर्न कर सकते हो। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर आपको जो रेफरल है वो एनुअली पे करता है तो आप $14 पर मंथ अर्न करोगे, लेकिन वो मंथ बाय मंथ बेसिस पे करता है तो आप $17.5 अर्न करोगे। नेक्स्ट कि हाउ डू आई गेट पेड। देखो हम आपको कॉन्टैक्ट कर लेंगे और आपके पे आउट डिटेल्स मांगेंगे। हम सपोर्ट करते हैं UPI, PayPal और डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र, और जो आपकी पेमेंट है वो फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ ट्रांसफ़र हो जाएगी एंड 30 डेज आफ्टर द कस्टमर हैज़ पेड, क्योंकि हम 30 डेज रिफंड पीरियड ऑफर करते हैं। साथ ही साथ आप अपनी जो अर्निंग्स है वो इजीली ट्रैक कर सकते हो रेफरल डैशबोर्ड में जाकर। नेक्स्ट है क्या होगा कि अगर किसी पर्सन ने एफिलिएट लिंक को यूज़ किया लेकिन वो बाद में साइन अप किया। उदाहरण के लिए मान लो कोई व्यक्ति है जिसने ओमका क्लाउड पे विजिट किया लेकिन उसने साइन अप नहीं किया, और वो आपकी रेफरल लिंक पे गया लेकिन उसने इससे भी साइन अप नहीं किया, उसने मान लो 4, 5 या 6 दिन बाद वो ओमका क्लाउड पे वापस किया और फिर जाके उसने साइन अप किया, तो आप देखोगे कि आपका जो रेफरल लिंक है वो एक्टिवेट हो गया है। तो यही मेन एफएक्यूज थे जो लोग के रहते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।